लाइन देखिए भाई, ये एक सोल्यूशन हो गया। देख के इसी तरह से अगर लाइट बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, समझ में आ रहा? सबको मालूम है क्यों नहीं बना सकते? नहीं आ सकता बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि लाइट आई कि नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर अभी क्या हो गया है, लाइट आ चुकी है, अभी ये सेट प्रॉपर ऑन भी होगा। और इसके लिए मैं एक बार और थाली मार रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आज MI का 4A हैंडसेट है। कौन सा है 4A हैंडसेट? ये हैंडसेट क्या मेरा है क्या? नहीं। किसका हैंडसेट है ये? हम लोग बताइए, आपका हैंडसेट है? अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम भी आप ही ने लेके आए ना, या प्रॉब्लम है करके? नहीं, तो आप लाए हो। अच्छा, ये बताओ कि आपकी शॉप में ये आया था तो कहीं और जाकर आया कि डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आया? डायरेक्ट आया आपके पास। तो आप इसको बनाए वहाँ पर शॉप पे? अभी आपको पूरी नॉलेज है लाइट सेक्शन की? खैर, वैसे तो हार्डवेयर की पूरी नॉलेज है, अभी आपका सॉफ्टवेयर का क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी आप इसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बनाएंगे ना, ये मेरा सेट तो नहीं है। अच्छा, मैं इसमें से कुछ कॉयल डायोड IC खराब वाली लगा देगा, ऐसा कुछ लगाया हूँ क्या? नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, इनका ही सेट है ये, हमारे स्टूडेंट का ही, और इनके और भी कई सारे, जैसा J7 का आपका थर्मिस्टर का प्रॉब्लम था, वो ही कौन हो गया, सैमसंग J4 था, सैमसंग का नेटवर्क वाला वो भी हो गया आपका, और कौन सा किए थे कल? MI4X से, वो भी टच वाला, उसका CPU रिवॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगा। और ये इनका 4A का हैंडसेट है जिसमें क्या नहीं आ रही है, लाइट का प्रॉब्लम है। बताइए, ऑन करके सेट को ऑन करिए। अभी ये वाइब्रेट हुआ है, हुआ है ना वाइब्रेट? बताइए लाइट आ रही है क्या? देखिए ये सेट अभी वाइब्रेट हुआ, जोर से बोल दीजिए, वाइब्रेट हुआ कि नहीं हुआ? वाइब्रेट हुआ है, लाइट नहीं आ रही है। इनके हाथ में सेट है और इन्होंने अभी इसको दबाया है और वाइब्रेट हुआ है सेट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना है, और ये वीडियो सब लोग आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगाइए। अभी हम पहले इसकी क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे और कूल टेस्टिंग, हम दोनों टेस्टिंग से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको आता है ना हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग? एक बार बताइए इस तरफ, एकदम उस तरफ बताइए। अच्छा, अगर बात करूं हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग, सबको पता है? यस सर। सब लोग कर लेंगे? यस सर। ये जो लाइट सेक्शन का आपका जो सर्किट है, सबको पता है ना? यस सर। क्या क्या कंपोनेंट उसमें होते हैं, कहाँ पे इनपुट और कहाँ पे आउटपुट आता है, सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो रुक जाइए, क्या हो गया? बारीक सुई वाला चाहिए, थोड़ा बारीक सुई वाला मल्टीमीटर हो तो देना कभी। चलो यहाँ पे ले लो, ये हो गया हमारा बारीक सुई वाला। पहले हम इसमें क्या करेंगे, फुल टेस्टिंग मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। तो पूरा घुमा लो, पूरा घुमा लो सर जी, इसमें इसको फुल टेस्टिंग, उल्टा उल्टा हुआ थोड़ा देख लो। पहले तो इसका सब V-Bat चेक करेंगे, यहाँ पर V-Bat से इनपुट की कंटिन्यूटी कहाँ देखेंगे, IC के ऊपर, IC के ऊपर देखेंगे। चलिए V-Bat पे लगाइए, बताइए लाइट सेक्शन कहाँ है इसका? ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ये बोर्ड निकालिए यहाँ से, वीडियो बन रहे हैं, नीचे से बना, ऑन करो इसका। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से बोर्ड निकालेंगे इसका, चलिए आप ही करें। ये मेरा लाइट सेक्शन हो गया, नीचे का नहीं दिख रहा क्या? तो इसको ऐसे रखिए थोड़ी, ठीक है। ये हमारा क्या है, V-Bat, ये प्रोब यहाँ लगाइए, कंटिन्यूटी आ रहा नहीं, बताइए एक बार दोनों की। यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए। तो ये हमारा क्या है, V-Bat, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप एक प्रोब रखिए कोई भी, और दूसरा प्रोब लगाइए, कहाँ लगाना है आपको पता है? ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ वही वही
तो ये हमारी आईसी के एक पिन पे बीप दे रहा है। कौन सी पिन पे बीप दे रहा है हम यहाँ सारा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूटी मिल गई। और यहाँ लगाइए चार नंबर पिन पे, तीन नंबर पिन पे, छह ये हो गया, तो चार पे लगाइए ऊपर। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी कहाँ मिल गई हमको? चार और छह पे। ठीक है, यस सर। ठीक है, अभी कहाँ देखेंगे इसकी कंटिन्यूटी? देखेंगे कि डायोड के इनपुट में आ रही है नहीं आ रही। यहाँ भी देखिए, नीचे ऊपर पीछे देखिए, ऊपर नहीं आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अच्छे से लगाइए आप। चलो आईसी मिला, आईसी नंबर देंगे, आईसी से ले लो इसके साथ में, बीच में कुछ आ रहा है वहाँ, पहले बीप बज रहा है देखो। कॉइल से होते हुए डायरेक्ट से जाके डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ तक कंटिन्यूटी इसकी मिल रही है। जहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक कर सकते हैं बैटरी लगा करके। तो हमको कितना जितना बैटरी में रहेगा उसका 10% ज्यादा, बैटरी में अगर 3 वोल्ट है तो 30 वोल्ट मिलेगा, बैटरी अगर 4 वोल्ट तक चार्ज है तो आपको लाइट के डायोड के प्लस ये वाले हिस्से में कितना मिलेगा, ये दोनों लेग पे आपको 44 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब ऑन होगा तो जब से डाउन होगा तो ये 10 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना भी चीज रहेगा तो 30 मिलेगा, 3 का 30, 4 का 40। ठीक है, तो यहाँ पर डायोड के हमारे इनपुट में तो मिल गया, तो अभी ये आउटपुट कहाँ जाना चाहिए? किसी ना किसी कैपेसिटर से जुड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉइल जुड़ा है। ये आईसी के बीच में कॉइल, और कॉइल का इनपुट वाला हिस्सा किससे जुड़ा है? डायोड के। और आउटपुट का हिस्सा है कैपेसिटर से जुड़ा होगा। चलिए कैपेसिटर कौन सा है बताइए, वो यहाँ यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये आउटपुट वाला है ना आपका, आउटपुट से लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है यही वाला है ना जहाँ पर, तो यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? डायरेक्ट कनेक्टर पे, कनेक्टर पे। चलो कंटिन्यूटी चेक करो इसकी, कनेक्टिविटी चेक करो, डिस्प्ले कनेक्शन। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर करिए, दिख नहीं रहा हमको, इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, अब कनेक्टिविटी चेक करिए, यहाँ पर एक काला सा हमको कैपेसिटर मिला, इसमें क्या मिला? जला हुआ कैपेसिटर, जो यहाँ पर क्या है अभी रिमूव है। लेकिन यहाँ देखिए अभी कंटिन्यूटी आ रही क्या इसकी? आ रही है नहीं। तो यहाँ पर प्लस का वोल्टेज हमको यहाँ मिलना चाहिए, जो बूस्ट वोल्टेज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जम्पर करेंगे। अच्छा, यहाँ से कहीं यहाँ पर बीप बज रही है क्या? फिर ये सारा प्रोब कनेक्टर पे, फिर कनेक्टर पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कनेक्टर पे आएगी तभी जाके आपका सेट क्या होगा, ऑन होगा। और यहाँ से कैपेसिटर मिस है ना, तो यहाँ कैपेसिटर पे चेक करिए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बीप दे रहा है क्या वहां से? नहीं दे रहा है। तो हमको एक फॉल्ट ये मिला कि ये कैपेसिटर से कनेक्टर पे कहीं भी बीप नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर तक क्या हो सकती है? ब्रेक ब्रेक हो सकती है। लेकिन हम पहले हॉट टेस्टिंग भी करेंगे अभी। चलिए बैटरी लगाइए। तो हम यहाँ पर क्या देखें अभी कूल टेस्टिंग में, ये देखें कि वहां तक हमको डिस्प्ले कनेक्टर तक कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। लेकिन आईसी अगर किसी भी सेट में लाइट नहीं आने के बहुत सारी क्या रीजन हो सकती है, आईसी खराब हो सकता है, उसमें इनपुट ही नहीं जा रहा है वीबेट वाला, या फिर उसमें ईएम सिग्नल नहीं मिल रहा है। और कौन सी लेग पे आता है सबको मालूम है कि ईएम सिग्नल कौन सी लेग पे आता है और इनपुट कौन सी लेग पे जाता है, आउटपुट में क्या क्या होता है, डायोड हो गया, कॉइल हो गया जिसे बूस्ट कॉइल बोलते हैं, और एक कैपेसिटर होता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कूल टेस्टिंग में, और इन्हीं सब में इनपुट और आउटपुट देखते हैं हॉट टेस्टिंग में, वोल्टेजेस को मेजर करेंगे। तो अभी हम सेट को ऑन करेंगे, क्या करेंगे? ऑन करेंगे। और ईएन सिग्नल कब आना चाहिए आप सबको पता है? ठीक है, तो ये सेट इनका अभी ऑन हो रहा है, यहाँ पर देखिए इन्होंने सेट को ऑन कर दिया। अभी इसमें क्या करेंगे? हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में पहले इनपुट के वोल्टेजेस चेक करेंगे कि इनपुट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे बूस्ट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको 200 पे डालेंगे, ठीक है, कितने में डालेंगे? 200 डीसी 20 पे डालेंगे तो 20 के अंदर का ही शो करेगा। लेकिन बूस्ट वोल्टेज इसमें हम नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज आपको 16 से लेकर 40 के बीच में कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। तो अभी पहले चेक करिए इनपुट पे, जो 6 नंबर वाली ऊपर बताइए, हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ बताइए, यहाँ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा इनपुट कहाँ आ रहा था? 6 नंबर वाली पिन पे। तो चलिए 6 नंबर पे वोल्टेज यहाँ चेक करके बताइए, 6 नंबर पे लगाइए कितना वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा घुमाना। चलो बराबर है,
ये कितना आ रहा है अभी 3.6। अगर मैं इसको 200 पे डाला कितना बता रहा है 3.5। चलिए यहाँ तो आ रहा है, चलिए आप ये डायोड पे बताइए दोनों तरफ कितना कितना आ रहा है 3.5। नीचे के डायोड बताइए यहाँ भी 3.5 और कैपेसिटर को बताइए कितना आ रहा है 3.5। चलिए अभी डिस्प्ले के जो हमारा कनेक्टर है तो डिस्प्ले कनेक्टर कहाँ गया हमारा, तो यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर के पास यहाँ पर इसका नीचे करिए उसको, यहाँ पर इसका एक कैपेसिटर जो कि अभी रिमूव है और कैपेसिटर रिमूव होगा तो यहाँ पर प्लस वाली लाइन पे आना चाहिए ना वोल्टेज, आ रहा है क्या? चलिए अभी एक एक करके सारे डिस्प्ले में देखिए कहीं पर आपको जो 4 वोल्ट हमारा 3.6 मिल रहा था कहीं मिल रहा है क्या? एक एक प्रोब पे घुमाइए धीरे से, एक एक पे रखिए शॉर्ट होगा देखिए आ रहा है क्या कहीं पे? चलिए ऊपर बताइए, तो यहाँ मिला कहीं पर भी वोल्टेजिंग में वोल्टेज नहीं मिला तो अभी हम क्या करेंगे, कैपेसिटर जो हमारा प्लस वाला है वहां से क्या करेंगे जम्पर लेंगे और हम चाहे तो यहाँ मार सकते हैं कहाँ पर, जहां पर से कैपेसिटर इनका रिमूव है, या फिर हम एक नंबर पिन पे मारेंगे, कहाँ मारेंगे एक नंबर पिन पे मारेंगे तो यहाँ तक इसका कंटिन्यूटी आ जाएगा उसका वोल्टेज आ जाएगा। तो चलिए करिए बंद करिए सेट को, जम्पर ले जम्पर क्या यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है, रोको मत अभी। एक्चुअली पूरा अगर बता देना तो कोई भी बैठ के बना सकता है, अगर इतना डिटेल में बताऊं तो समझ में आ रहा? नहीं नहीं सही बात है, सब लोग तो ये थोड़ा डर बहुत है, बहुत बड़ा है, हाँ बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्या हो जाता है कि आप तो आ गया, चलो जब तक आपको ऑन करो ठीक है, इसके प्लस से अभी कहा आ रही कंटिन्यूटी यहाँ तक ले लिए। चलिए अभी एक नंबर पिन पे बताइए, हाँ वहीं से एक नंबर पिन बीप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमारा जो प्लस का लाइन यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कटा हुआ है, बीच में कुछ कंपोनेंट मिस है क्या सर बताइए? आप लोग बोलिए कुछ कंपोनेंट यहाँ से मिस है क्या? हमने कुछ रजिस्टर कुछ निकाल के ऐसा लाइन ओपन तो नहीं की, और एक शर्ट किसका है, मेरा है कि स्टूडेंट का है? स्टूडेंट्स का ही है ना, हम लोग क्रिएट तो नहीं किया ना लाइव, इसने यहाँ पर कल हमने 4 घंटे बैठ के बनाया वो चीज आपको आज हम यहाँ पर सारी चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी आ गई। चलिए अभी अभी आप इस तरफ आइए और अभी यहाँ देखेंगे सेट को ऑन करके, क्या करेंगे ऑन करके, चलिए लगाइए इसको यहाँ लीजिए, एक तो बूस्ट वोल्टेज भी बनना चाहिए, दूसरा क्या प्लस हमारे कनेक्टर के एक नंबर पिन पे आपको वोल्टेजेस आने चाहिए और कंटिन्यूटी आनी चाहिए लाइन। देखिए भाई ये एक सलूशन हो गया, देख के इसी तरह से अगर लाइट बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, समझ में आ रहा? सबको मालूम है क्यों नहीं बना सकते, भी आ सकता है। और आप वो 6 4 6 बोलता हूँ ठीक है, तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि लाइट आई कि नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर अभी क्या हो गया है, लाइट आ चुकी है, अभी ये सेट प्रॉपर ऑन भी होगा, और इसके लिए मैं एक बार और थाली मार रहा हूँ, क्योंकि इसके पास एक सेम 4A हैंडसेट है जो कि ऑन है और ये डेली यूज करता है, समझ में आ रहा? मैं क्यों थाली मारने के लिए बोल रहा हूँ, ये डेली यूज करता है, उसके अंदर इसके नंबर्स हैं, उस पे कॉल आ रहे होंगे, कुछ भी आ रहे होंगे, लेकिन ये डेड था हैंडसेट इसके पास, तो इसके अंदर इसने पहले वो सेट को निकाला, उसकी आईसी भी उठा दी उसमें से लाइट की, ताकि ट्रेस कर सके, समझ में आ रहा? तो ऐसे आपको ये होना चाहिए कि मैं वो सेट भी ऑन कर लूंगा, ये देखिए इस तरह बताइए, तो ये हमारा हैंडसेट क्या हो गया अभी पूरी तरह से अभी ऑन हो चुका है, तो एक बार सब लोग क्लैप्स कर दीजिए इसके लिए फिर से एक बार। चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए, तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ,
30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया, किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार 6 बार 5 बार 6 बार 6 बार सर 5 बार 7 बार बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ, 3 बार 5 बार 4 बार 2 बार 6 बार 5 बार सर 5 बार 5 बार सर 3 बार 2 बार 2 बार तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार तो 4 बार यहाँ पर ये जो तो मेरा बल्ब वाला काम कर रहा था तो उसे करवाते थे आप, तो आपने एशिया टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता दो। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगी, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया? सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब ऐसे टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि ऐसे टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशिया टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आपने? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको ईएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना? हाँ सर, तो मेरा तो यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि ईएमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, तुम्हें अच्छा कब से काम कर रहे हैं? सर मेरा कॉन्फिडेंस 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, हाँ, से हाँ। लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाई नहीं हो पा रहा, सर्टिफाई नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशिया टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशिया टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है। पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग तो बना लेता है, अब शॉटिंग क्या होता है, मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर इस निकाले सब कुछ और नहीं था मुझे सर, बहुत अच्छा समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। एक बार ताली बजा दो इन्होंने, परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो
ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज लेते। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, सर ये भी बोले हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस टूर्स चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल मुझे खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute.
Call for admission 9644139972. Download mobile free recording Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.